Hello everyone, Namaskar. I have been very nervous and very confused before coming here. Actually, I was worried what should I wear and what should I not. What if I bore you guys? But फिर मुझे लगा जब मैंने कूड़ा उठाने में इतनी शर्म नहीं की, जब कितना सोचा ही नहीं वहाँ पे, तो आज क्यों सोचना है? So I was like, let it be. But more than that, I feel very humble and grateful to God for giving me this opportunity to share. To share my work and journey of being called Kude Wala Bhaiya to uniting over 3500 youngsters to make this planet clean and green. Today we are talking about India's 75 years of independence, and in last span of 25 years we have achieved a lot. Today we have largest democracy in the world, one of the best defense system in the world, and not to be missed, one of the biggest defense system in the world. But in sub factors mein hum ek domain mein, ek sector mein hum bahut piche ho jate hain. Hum we feel ashamed to be called Indians in that sector. Koi guess kar sakta hai kis sector mein hum weak kar jate hain? Yes, cleanliness, saaf safai. Jab hum kisi bahar ki countries mein jate hain to hamesha hum sabse pehle ye statement bolte hain, kaash ye hamara India bhi itna hi saaf hota. Kya aapko nahi lagta? काश आपको इतना यह नहीं लगता कि रेवोल्यूशन को हो जाना चाहिए यहाँ पे, और ये कुछ ऐसा होता कि इंडिया भी इतना साफ है, बाहर की कंट्रीज उससे कम साफ हो. आई मीन टू से हम बाहर जा रहे हैं और ये बोले कि काश ये कंट्री भी इंडिया की तरह साफ होती. स्टेटमेंट बदल लो, नजरिया बदलो, ये सिर्फ एक सोच से शुरू होती है हमारी बात. हमारा पास्ट, हमारा कल्चर कितना रिच एंड डिवाइन है, हमने हमेशा बैलेंस मेंटेन किया है नेचर के साथ. तो आज हमें कैंपेन्स की नीड क्यों पड़ रही है? आज हमें कैंपेन्स क्यों बनाने पड़ रहे हैं? आज हमें स्वच्छ भारत मिशन की नीड क्यों पड़ रही है? आपको ही लगता दिस शुड बी द डेली प्रैक्टिस? आर जो डेली प्रैक्टिस हम घर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ये वो नहीं होना चाहिए था? हमें मिशंस नहीं चाहिए, हमें खुद से स्टेप्स लेने चाहिए थे यहाँ पे. तो यही मिशन सुनने के लिए कि इंडिया हमारा साफ हो, इंडिया बहुत ब्यूटीफुल लगे, मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को अप्रोच किया, कलीग्स को अप्रोच किया, फैमिली मेम्बर्स को भी अप्रोच किया, बहुत लोगों को अप्रोच किया. तो कुछ लोगों के जवाब ऐसे थे, क्या तुम इंजीनियरिंग करने के बाद कूड़े वाला बनना चाहते हो? क्या तुमने इंजीनियरिंग इसलिए की थी कि तुम कूड़ा उठाना चाहते हो? क्या कुछ लोग कहते थे, ये तुम्हारा काम नहीं है दोस्त, ये सरकार का काम है, हमारे अकेले के करने से क्या होगा? ऐसे बहुत सारे जवाब मुझे मिले. बट था तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट, 4 साल कॉलेज में 42 सब्जेक्ट एग्जाम दिए, क्लियर किए, तो हार तो मानना सीखा नहीं था. तो मैंने वहां भी हार नहीं मानी, एंड आई सेड कोई बात दोस्त, आप सपोर्ट नहीं करो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात समझो, सरकार का काम ही सिर्फ साफ सफाई नहीं करना होता है. जितना साफ सफाई काम सरकार का होता है, उससे कई ज्यादा हमारा भी होता है. इट्स ऑल अबाउट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब तक हम लोग अपने डिसीजंस को नहीं सही करेंगे, हम डिफेंड नहीं कर सकते कुछ को. तो इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर मैंने उनको समझाया, आप रात को कूड़ा जब फेंकते हैं कोई, तो रात को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आके रोड पर कूड़ा नहीं डालते हैं. रात को कूड़ा फेंकने वाले भी अगर हम लोग हैं, तो साफ करने वाले भी हम लोग होंगे. विद दिस मिशन आई स्प्रेड द वर्ड कि भाई हमें साफ करना है, चाहे आप सपोर्ट करो चाहे नहीं करो. तो 2019 की बात है, आई वॉज अ फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट, सब जॉब के लिए जा रहे थे, मैं भी जॉब के लिए गया. मैंने अपने फ्रेंड्स को तो अप्रोच किया, बट जवाब नहीं आया, तो अब क्या करें? तो कुछ बच्चों को मैं पढ़ाता था, तो मुझे बस ये पता था कि अगर बच्चों को आप कुछ भी बोलोगे, वो दे विल नॉट डिक्लाइन योर वर्ड्स. टीचर्स की हर बच्चे बात मानते हैं. मैंने भी वही एक सेंटीमेंट खेला और अपने बच्चों को बोला कि मुझे एक एरिया साफ करना है, क्या आप मेरी मदद करोगे? थे तो मेरे बच्चे ही, मना कर ही नहीं पाए. अब बेचारों को आना पड़ा कूड़ा उठाने के लिए. 19 मई 2019 की बात है, 40 डिग्री प्लस टेम्परेचर, मई का मौसम, सबको पता है एसी में बैठना मुश्किल हो जाता है, तो 11-12 बजे कितनी धूप होगी. हम लोगों ने साफ किया, हम लोगों ने साफ किया, 12 बज रहे थे, बहुत धूप सिर पे थी, एरिया करना साफ किया. कुछ टूल्स भी नहीं थे, ना कोई टूल्स थे, ना कोई ग्लव्स थे, ना मास्क थे, प्रॉपर कुछ भी नहीं था हमारे पास. बस एक जुनून था कि इस कंट्री को साफ करना है, और साफ करे बिना घर नहीं जाना है. इस जुनून के साथ हम लोग लग गए और साफ करने लग गए बिल्कुल ही. और 5 घंटे की मेहनत के बाद ये है वो बिफोर आफ्टर, जो आप लोगों ने अभी वीडियोज में भी देखा. ये सिर्फ 5 लोग थे हम, और कोई नहीं था. 300 मीटर का स्ट्रेच था ये, बिल्कुल यमुना नदी के साइड का एरिया, हम लोगों ने इसको साफ किया. एंड आई कैन अश्योर यू, जब 5 घंटे की मेहनत, जब हम लोगों ने इसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया ना, तो वी वर शॉक्ड टू सी द रिजल्ट.
इतने लोगों ने रिस्पॉन्स किया, वो 5 लोगों की टीम अगले दिन 10 लोगों की टीम बन गई, अगले दिन 20 लोगों की टीम बन गई। तो वो जो 5 लोगों की चेन की टीम थी वो 3500 चेंज मेकर बन गए, वो 3500 कूड़े वाला बन गए। उस 3500 कूड़े वाला में आई एम प्राउड टू से वी हैव इंजीनियर्स, वी हैव डॉक्टर्स, वी हैव पायलट, वी हैव इवन आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स है हमारी टीम में, एंड नॉट टू बी मिस्ड स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स है हमारी टीम में, स्कूल स्टूडेंट्स है हमारी टीम में। ये बच्चे हैं, हम लेक क्लीन अप करते हैं, वी हैव सो मेनी प्रोजेक्ट्स। हम जब भी लेक क्लीन अप करते हैं ये बच्चे बोलते हैं संडे को ड्राइव करना सर प्लीज, क्योंकि हमारा स्कूल संडे ही ऑफ होता है, तो संडे आप ड्राइव करो, हम लोग आपको सपोर्ट करने आएंगे। एंड ये बच्चे हैदराबाद के हैं कि हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं हैदराबाद में जब भी हम सरूर नगर लेक क्लीन करते हैं। नॉट ओनली क्लीनिनेस, दे यूज टू पेंट दी वॉल्स, हमारे साथ वेस्ट का बेस्ट यूज करने के लिए आते हैं, टायर्स जो बिल्कुल ही वेस्ट होते हैं वो उनको कन्वर्ट करते हैं हमारे साथ। तो आई फील वेरी प्राउड कि जो आज की जनरेशन है वो कितनी ज़्यादा मच्योर है, कितने ज़्यादा अपने एक्शंस को लेके डिटरमिंड है कि हमें एक्शंस लेना है, हमें अपने कंट्री को खुद से बचाना है। वी डोंट नीड टू ब्लेम गेम, हमें ब्लेम गेम नहीं करना है कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एट दी एंड देश तो हमारा ही साफ होगा ना, कल को ये वेस्ट यहाँ पे होगा, साफ मैं करूँ या आप करो, साफ क्या होगा, इंडिया होगा। एंड नॉट ओनली क्लीनिनेस ड्राइव, हम माउंटेन क्लीन अप करते हैं, हम रिमोट एरियाज में क्लीन अप करते हैं, हम बीच क्लीन अप करते हैं, हम अवेयरनेस करते हैं, वी डू एवरीथिंग, जो भी इस एनवायरमेंट को सेव करने के लगता है हम सब कुछ करना पसंद करते हैं। बिकॉज आई बिलीव जब कल को मेरे फ्यूचर जनरेशन आएगी एंड दे विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग मी, जब इको सिस्टम खराब हो रहा था, जब इन्वायरमेंट खराब हो रहा था तो वेयर वर यू, आप क्या कर रहे थे? इंस्टीड ऑफ ब्लेमिंग स्टार्ट टेकिंग एक्शन, एंड इट्स इन हाई टाइम। वी ऑल नो सबको पता ही हैशटैग एक्ट नाउ, एक्ट नाउ, एक्ट नाउ। व्हाट इज दिस एक्ट नाउ? इट्स एन इमरजेंसी, इट्स एन क्लाइमेट क्राइसिस। इफ वी डोंट टेक द एक्शन कौन लेगा एक्शन? हमें एक्शन लेना है, हमें बचाना है भाई। तो ये एक फोटो है, अगर आप देखोगे फुल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, कितना ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट था। ये एक फोटो बिफोर आफ्टर लगाने में मुझे सिर्फ 2 सेकंड लगे थे, बट इसको साफ करने में आई कैन मेक श्योर ये शायद 1.5 महीने की मेहनत लगी थी मेरी टीम के साथ। 1.5 महीने बाद ये रिजल्ट ऐसा हुआ था। इट्स फ्रॉम दिल्ली विक। एंड ये एक पिक है, माहिम बीच की है, मुंबई की एक लोकेशन है। इसकी एक बहुत बेकार स्टोरी बताऊंगा आपको मैं। हम जब भी क्लीन करते हैं अगले दिन फिर गंदा हो जाता है, हम जितना क्लीन करते हैं रिवर सी से सारा वेस्ट वापस आ जाता है। संडे साफ किया, मंडे वापस वेस्ट, संडे साफ किया, मंडे वापस वेस्ट। बट मुझे यहाँ पे बताने में बहुत प्राउड होगा कि हमारे कोई वॉलंटियर थकता नहीं है। वो कहते हैं कोई बात नहीं यार, गंदा हो रहा है ना, हम फिर साफ करेंगे, आज गंदा हुआ हम फिर साफ करेंगे। और 1 साल से जर्नी चलते आ रही है, हम साफ करते हैं, ये गंदा होता है, ये साफ करते हैं और ये गंदा हो रहा है, लेकिन हम हार नहीं मानते और हम साफ तब तक करेंगे जब तक ये गंदा होना बंद नहीं होगा। और नॉट ओनली दिस, वी बेसिकली ट्रांसफॉर्म द प्लेसेस। हम लोगों को वेस्ट का मतलब समझा रहे हैं कि वेस्ट एक वेस्ट की नज़र से मत देखो, उससे बहुत आगे है। वो एक डंपिंग ग्राउंड था दिल्ली में, बहुत सारे डंपिंग ग्राउंड्स हमने दिल्ली में अडॉप्ट किए और उसको ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म किसमें किए? हमने लर्निंग सेंटर्स बनाए, हमने लाइब्रेरीज बनाई, हमने स्किल सेंटर्स बनाए ताकि लोगों का वेस्ट के लेकर नजरिया बदले। उसी में एक एग्जाम्पल आपको देख रहे हो, यहाँ पूरा वेस्ट जलता था, लोग फेडअप हो चुके थे देख देखे कि क्या हो रहा है, इतनी बदबू आ रही है प्रॉपर्टीज के बाहर। हमने वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन किया एंड देयर इज अ लर्निंग सेंटर, देयर वाज वन डंपिंग ग्राउंड, बच्चे वहाँ से खेलना नहीं, उनका कोई पार्क नहीं था खेलने के लिए, एंड बच्चों के लिए पार्क बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं खेलने के लिए। तो व्हाट वी डिड, हमने पूरा ट्रांसफॉर्म किया एंड हियर यू कैन सी पूरा प्ले ग्राउंड बन गया बच्चों खेलने के। दिस इज ओनली वन ग्लिप्स, लाइक दिस वी हैव कन्वर्टेड 300+ लोकेशन। अब ऐसा भी नहीं है, कि जो भी हम करें वो सब अच्छा ही होगा। कोई गोल्डन चम्मच तो मेरे पास है नहीं कि मैं जो करूँगा सब अच्छा होगा, एक जादू छड़ी भी नहीं चला सकता। हम एरिया साफ करते हैं, कुछ एरिया वापस गंदे हो जाते हैं, दिल टूटता है, बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा रोना भी आता है रात को कि क्यों हम ये कर रहे हैं। वॉट आई गेट, ना कोई मॉनिटरी बेनिफिट है, ना कुछ मिलता है, हम क्यों ही कर रहे हैं ये, क्यों और किसी का वेस्ट उठा रहे हैं। बट एक ऐसा ही एरिया था दिल्ली में, हम लोग बहुत साफ करते थे, हार मान चुके थे कि ये साफ हो ही नहीं सकता कभी भी। बट फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों नहीं इसको पेंट किया जाए। पेंटिंग्स वहाँ से शुरू होती है हमारी। हमने सोचा क्यों नहीं इसको पेंट किया जाए और इसको कुछ ऐसा पेंट किया जाए जो लोगों के माइंड पर सीधा स्ट्राइक करे। तो सबको यमराज से डर लगता है, सबको लगता है यमराज से डर। तो हमने क्या किया, एक एरिया था वो बहुत गंदा होता था, हमने वहाँ पर जाके यमराज बना दिया और उस पर लिख दिया, गंदा करोगे तो मुझसे मिलोगे। एंड इसका इम्पैक्ट इतना अच्छा आया, एंड इसका इम्पैक्ट इतना अच्छा आया, ये शायद पेंटिंग हमने 2020 में बनाई थी,
या 2021 में, सॉरी डेट याद नहीं आ रहा, बट जो भी था, एक साल बाद भी अगर आप जाओगे तो यहाँ पे एक प्लास्टिक की पॉलिथीन भी नहीं मिलेगी आपको। इस मैसेज का इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट गया। तो इससे एक चीज़ समझ आई कि अगर इंडियंस चाहे ना तो वो एरिया मेंटेन भी कर सकते हैं और उसको ब्यूटीफुल भी बना सकते हैं। इट्स ऑल बिकॉज हम विल नहीं लगा रहे, हम अपनापन नहीं दिखा पा रहे। जब हम अपने, ये एरिया पूरा साफ है, हम में से कोई गंदा नहीं करेगा, एक प्लास्टिक का रैपर भी गिरेगा ना उठाएंगे और जेब में डाल के चले जाएंगे। ये सबके माइंड में सेट है कि गंदा एरिया गंदा कर सकते हैं, साफ एरिया गंदा कोई नहीं करता। मेट्रो में गंदगी नहीं दिखेगी, बस में गंदगी दिख जाती है। क्यों? क्योंकि वहां माइंडसेट नहीं हो पाता हमारा सेट। सारी गेम माइंड की है। अगर हमने माइंड को बना लिया कि इस कंट्री को क्लीन बनाना है तो हम हर हाल में बनाएंगे। अगर नेचर को हमने खुद से रिवाइव नहीं किया, अगर नेचर पे हमने एफर्ट्स नहीं डाले, तो नेचर नो हाउ टू हील इटसेल्फ एंड इट्स क्लियर एविडेंट। 2019 में हम लोगों ने बहुत कचरा मचाया, कचरा मतलब मैंने भी मचाया, सब ने मचाया। 2020 में कोरोना वायरस आया, मार्च में फुली लॉकडाउन अनाउंस हो गया ऑल ओवर द कंट्री, एंड जून जुलाई तक हमें एक न्यूज़ आनी शुरू होगी फ्लैशबैक्स पे, हर जगह ऐप्स पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यमुना रिवाइव हो रही है खुद से। 60 डेज के लॉकडाउन में यमुना रिवाइव हो गई। जो काम करोड़ों के प्रोजेक्ट्स नहीं कर पाए वो जस्ट 60 डेज के लॉकडाउन ने कर दिया। तो यही आई विल से कि इफ वी नॉट हील द नेचर, नेचर नो हाउ टू हील इटसेल्फ। सो स्टार्ट टेकिंग एक्शंस एंड वी डोंट वांट अनदर कोविड जो हमारी लाइफ को हैम्पर कर सके। ये इवेंट फेब में होना था, आज मार्च में हो रहा है। क्यों? कोविड आ गया था फेब में। अगर हम स्टेप्स नहीं लेंगे तो ये चीजें और डिले होगी। वी हैव टू टेक एक्शंस, वी हैव टू एक्ट। एंड विद दिस मैसेज आई जस्ट वॉन्ट टू एंड वेरी ऑन अ वेरी स्मॉल नोट दैट हैबिट्स डाई स्लोली। कोई भी आदत जाने में ना बहुत टाइम लगता है। अगर हम गंदगी कर रहे हैं ना तो वो होता है, वो बहुत ज़्यादा चुपता है, नहीं सीख पाते हम। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, इफ यूथ ऑफ कंट्री यूनाइट्स ना, वी कैन ब्रिंग द चेंज एनी टाइम इफ यूथ ऑफ दिस कंट्री यूनाइट्स। हम पांचों अगर साथ में जुड़ जाएंगे और ये मुट्ठी बंद हो जाएगी ना, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये हमेशा याद रखना। और आई बिलीव आफ्टर माई टॉक, ये कूड़े वाला की जो जर्नी थी, अब सब एक प्राउडली कहीं भी गंदगी देखेंगे तो उसे मुंह नहीं उठाएंगे, उसको साफ करेंगे और इस कंट्री को क्लीन बनाने में सबका साथ देंगे। एंड जस्ट लास्ट में आप लोग को यही बताऊंगा, कोई भी चेंज लाने के लिए डोंट नीड टू ज्वाइन एनी एनजीओ। बीइंग अ फाउंडर आई एम सेइंग दिस, फॉर ब्रिंगिंग चेंज यू डोंट नीड टू ज्वाइन एनी एनजीओ और अ ग्रुप। यू जस्ट नीड टू टेक योर एक्शंस, अपने एक्शंस अपने आप सामने देखो कि क्या मैं इस कंट्री के लिए सही एफर्ट्स दे रही हूँ। अगर आपको लगता है वो, अगर आपको लगता है नहीं, तो स्टार्ट टेकिंग एक्शन। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।